नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस के जनरल स्टडीज पेपर के पार्ट 4 के अंदर है, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस पार्ट के अंदर 75 तक के क्वेश्चंस के आंसर कीज देख चुके हैं। अब हम लोग 76 से आगे की क्वेश्चंस के आंसर कीज को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास जो 76 क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो आपको ध्यान रखना है, जनवरी 2023 में यहाँ पे जिनको एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड अपॉइंट किया गया था वो थे आपके क्रिस हैपकिंस। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा वह एक्वेटिक प्लांट है जिसको कॉमनली एज अ बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है वाटर लॉग्ड राइस फील्ड के अंदर। तो अजोला एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको कॉमनली बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सब्जेक्टिव या फंक्शनल। इनमें से कौन सी टाइप्स हैं जो पॉवर्टी को डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आप देखेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड योर रिलेटिव पॉवर्टी, ये दो बेसिकली प्रोविजन है विच आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो डेफिनेटली तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रेडॉन, क्रिप्टन और आर्गन नोबल गैसेज है और एक्टिनियम कोई नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हारमोन्स इज सिक्रीटेड बाई बेटा सेल ऑफ आइटलेट ऑफ लैंग्रियंस ऑफ पैंक्रियाज। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर इंसुलिन। तो वो एज ये एक हार्मोन है जो सिक्रीट किया जाता है बीटा सेल के द्वारा ऑफ आइलेट ऑफ लैंग्रहेंस ऑफ पैंक्रियाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन हैज बीन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ लंडन बोरो ऑफ साउथ वार्क फॉर सेकेंड टाइम। दैट इज द करेक्ट आंसर इज योर सुनील चोपड़ा। उनको अपॉइंट किया है, वो भी दूसरी बार उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। देन कंसिडर द रीन ऑफ फ्लोइंग पेशवाज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर दूसरे नंबर पे कौन आया, देन थर्ड ऑर्डर में कौन आया। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपका बालाजी विश्वनाथ आते हैं, सेकेंड उनके बेटे बाजीराव आते हैं, फिर माधव राव आते हैं एंड देन द फोर्थ वन इज योर नारायण राव। तो इसके हिसाब से योर करेक्ट आंसर विल बी बी। आगे बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो गंगाबाई ने गणेश देव लीला नहीं लिखी थी, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो आपके करेक्टली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सही है। सो बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डाटा प्रोड्यूस बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट रीजनल लेवल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंस एंड एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट आता है हमारे पास, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म क्वाड्रिनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिव्यू डेलिब्रेशन एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वंस एवरी क्वार्टर। तो दिस इज नॉट करेक्ट। आपका यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स ओनली वन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, With reference to invaders in ancient India, which one of the following is a correct chronological sequence? तो ग्रीक, कुशांस और साकास, इनमें सबसे पहले कौन आया, इसको क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ग्रीक्स आते हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो साक्यास आते हैं एंड देन कुशांस आते हैं। तो योर आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दो कॉलम्स दिए हैं, आर्कोलॉजिकल साइट और प्रेजेंट लोकेशन, और इनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेवासा, इसामपुर, दिदवाना और गुडियम केव दिया और प्रेजेंट लोकेशंस दिए कि वो कहाँ पर लाई करते हैं। सो देखिए, नेवासा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो नेवासा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। देन आपका इसामपुर इज इन कर्नाटका, दिदवाना, दिदवाना इज अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी फेमस प्लेस, इट इज इन राजस्थान एंड गुडियम केव जो है दैट इज इन तमिलनाडु। तो आप कैस के हिसाब से जो आपका आंसर बनता है दैट इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। इनमें से किसको वर्ल्ड वेटलैंड डे माना जाता है। सो यह द करेक्ट आंसर इज 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम और प्रोग्राम इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स प्रोग्राम। सो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज गंगा एक्सप्रेसवे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोग्राम। नेक्स्ट इज, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। वेरी सिंपल, 4 चैम्बर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस एंड स्टेट्स इज करेक्टली मैच्ड, दैट इज नीति पास जो उत्तराखंड में है आपका, जो करेक्टली मैच्ड है।
इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट, दैट इज हरियाणा। फिर आपके पास दो लिस्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड उसके साथ रिलेटेड जो एक्शंस हैं उनके बारे में, तो आपको ये दोनों ही मैच करने हैं यहाँ पे। तो SDG 10, 13, 14, 15 एंड उसके साथ क्या मैच बनता है वो आपको देखना है। तो SDG 10 जो है वो आपका बात करता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज के बारे में, दिस इज ए। देन आपका SDG 13 बात करता है क्लाइमेट एक्शन के बारे में। देन SDG 14 टॉक्स अबाउट लाइफ बिलो वाटर एंड SDG 15 टॉक्स अबाउट लाइफ ऑन लैंड, दिस टॉक्स अबाउट लाइफ ऑन लैंड। सो इसके हिसाब से आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट इंक्लूडेड एज वेन्यू फॉर 11 मीटिंग्स ऑफ 200 सेशंस ऑफ G20 ड्यूरिंग द प्रेजिडेंसीज, इंडियाज प्रेजिडेंसीज ऑफ द ग्रुपिंग, दैट इज कानपुर, कानपुर को इंक्लूड नहीं करा गया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी, दैट इज देवप्रयाग, दैट इज देवप्रयाग जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल्स है और साथ में कमीशन है 324, 315, 280 एंड 338। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज ए, अगर हम लोग देखिए 324 दैट इज इलेक्शन कमीशन, अगर आप उसको देखेंगे दैट इज इलेक्शन कमीशन। आप यहाँ पे आर्टिकल नंबर 315 को देखेंगे सो दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन। देन आप आर्टिकल 280 को देखेंगे दैट इज योर फाइनेंस कमीशन एंड द लास्ट वन इज योर, तो इसके हिसाब से आंसर विल बी डी। रिवर्स एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन, सो उसका आंसर अगर हम लोग देखें तो आपको रिवर्स और प्लेस ऑफ ओरिजिन बताना है। सो यहाँ पे यमुना रिवर यमुनोत्री से निकलती है, आपकी कृष्णा रिवर निकलती है महाबलेश्वर से, गोदावरी फ्रॉम नासिक एंड महानदी फ्रॉम सिहावा। ओके, सो यर द आंसर विल बी डी। द रिवर सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेक्सिको, दैट इज रियो ग्रेंडे। ओके, सो ये आपका बेसिकली आंसर है। सो ये हम लोगों ने अपने पार्ट फोर के अंदर 97 तक के क्वेश्चन सॉल्व करे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स को भी सॉल्व करेंगे, अपकमिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे आगे के क्वेश्चंस की आंसर कीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा अपने एंड पार्ट तक और अपनी आंसर कीज को मैच करके हमें कमेंट सेक्शन पे भी बताइएगा कि आपका क्या स्कोर बन रहा है और कितने मार्क्स आप इसमें पेपर में लेकर आ रहे हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।